मौलागंज विधानसभा क्षेत्र के एक कर्मठ नेता और विधायक अमरीश सिंह पुष्कर जी हैं, जो पेशे से वकील भी हैं, थोड़ा बहुत बिजनेस भी कर लेते हैं और समाजसेवी भी हैं। चलिए उनसे बातें करते हैं और जानते हैं थोड़े उनकी बारे में। अमरीश जी, आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, राजनीतिक करियर की शुरुआत, करियर क्या कहें, ये तो एक सेवा भाव था जो हम अंदर से सोचते थे कि हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए। सेवा तो मैं प्रोफेशन से वकील था, तो यहाँ लोगों के बीच में रहता था। लोग लगभग, विधानसभा के लगभग सभी लोग, क्योंकि मैं तहसील मुख्यालय मोलालगंज में ही प्रैक्टिस करता था, तो वहाँ की वजह से लोग मुझसे बराबर आते आते रहते थे हमारे पास। हमारे पास तो मुकदमों के संबंध में आते थे, लेकिन उसके साथ साथ जो उनकी पीड़ा रहती थी, जो उनके भाव थे, वो भी मुझे अपने दुख दर्द भी मुझको बताते रहते थे। तो दिल में एक इच्छा रहती है कि किस प्रकार लोगों की कि ज़्यादा से ज़्यादा काम आए, ज़्यादा से ज़्यादा हम सेवा कर सकें। उसी आधार पे मैंने राजनीति के रूप में लोगों की सेवा करने के लिए सोचा, और उसी के साथ मैं काफ़ी दिनों से राजनीति, मतलब लोगों की सेवा कर रहा था, उसी बहाने मुझे राजनीति में आने का अवसर मिला। मैं धन्यवाद देता हूं अपने पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि जिन्होंने मुझे, मेरी भावनाओं को, क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को उन्होंने समझा, और सर्वप्रथम मेरी पत्नी को यहाँ से, मेरी पत्नी विजय लक्ष्मी जी को यहाँ से मोहल्लागंज ब्लॉक से उन्होंने ब्लॉक प्रमुख के का टिकट दिया, और हम उनके आशीर्वाद और सहयोग से हमारी पत्नी मोहल्लागंज में ब्लॉक प्रमुख के रूप में निर्वाचित हुई। और उनके निर्वाचित होने के बाद हम लोगों को, हमको, हमारी पत्नी को लोगों के बीच में ज़्यादातर और जाने का मौका मिला, लोगों के समस्याओं को और जानने का मौका मिला, किस प्रकार हम उनकी समस्याओं को ब्लॉक के माध्यम से निस्तारण कर सकते थे, वो हमने अपनी पत्नी के सहयोग से विगत पिछले 2 वर्षों से हम उसमें लगे रहे, और क्षेत्र के लोगों की समस्याएं जो ब्लॉक स्तर की थी, उसको अपने स्तर से उनको निपटाने में उनका सहयोग किया। हम लोग क्षेत्र में काम कर रहे थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक ये रिपोर्ट पहुंची होगी। उन्होंने फिर पुनः मुझे यहाँ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में टिकट दिया, और जबकि मेरे पास बहुत ही कम दिनों का समय था। जब मुझे टिकट मिला था तो नामांकन का आखिरी दिन था, उस दिन से लेकर मात्र मुझे 14 दिन या 15 दिन मिले होंगे। मैं धन्यवाद देता हूं अपने क्षेत्र की जनता को कि जिन्होंने मुझे इतना प्यार, आशीर्वाद और सहयोग दिया कि जिसकी वजह से मैं आज समाजवादी पार्टी के विधायक के रूप में मात्र 14 या 15 दिनों में, या ऐसी विपरीत परिस्थितियों में 14-15 दिनों में मोहल्लागंज की जनता ने हमें अपार सहयोग, आशीर्वाद और वोट प्रदान किए कि मैं आज विधायक के रूप में आया और मुझे और भी ज़्यादा लोगों की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। आज ऑलमोस्ट आपको विधायक बनने का 1 साल होने को आ गया है। इस 1 साल में आपने आपके क्षेत्र के लिए, विकास के लिए क्या काम किए? देखिए, क्षेत्र के जहां तक विकास की बात है, हम लोग समाजवादी पार्टी के विधायक, क्षेत्र में ये हमारा है राजधानी का क्षेत्र, लेकिन विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। आज भी हमारे यहाँ सड़कों का अभाव है, लोगों की अपने खेतों तक पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, सिंचाई के साधन अवेलेबल नहीं है क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ मोस्टली जो हमारी क्षेत्र की जनता है वो कृषि कार्य पे ज़्यादा निर्भर है, लेकिन पूरे क्षेत्र में पानी की व्यवस्था अभी भी, आज इस हमारे इस ब्लॉक में प्रॉपरली पूरे क्षेत्र में सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है, नहर का पानी टेल तक पहुँच नहीं पाता, खाली महज एक खाना पूर्ति होती है कि पेपर में कि हमने टेल तक पानी पहुंचा दिया, और उस समय टेल तक पानी पहुंचाया जाता है जब पानी की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं होती है, और जब आवश्यकता होती है तो पानी आधे रास्ते तक आता है, उसके बाद भी वहां तक नहीं पहुंच पाता।
ये हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है, जो किसान हमारे बहुत ही दिक्कत में यहाँ से जूझ रहे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस समस्या को लेकर, जो सबसे बड़ी समस्या है, इसको लेकर हम लोग विधानसभा में ये किसी प्रकार भी उनको खेतों को पानी उपलब्ध कराएं, सिंचाई के साधन उपलब्ध कराएं, जिससे वो अपनी खेती करके अपनी जीविका चला सकें। जहां तक विकास कार्य की बात है, सूबे में भाजपा की सरकार है, वादे तो बहुत बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन काम धरातल पे एक भी नहीं दिख रहा है। कहीं पे मजदूरों के पास रोजगार नहीं है, मौन के दाम आसमान छू रहे हैं, किसान जो अपनी फसल लगा रहा है उसको साण यहाँ पे बिल्कुल खुलेआम घूम रहे हैं। पूरा किसान का जीवन तो हमें लग रहा है कि वो पूरा दिन वो खेतों में ही बैठा रहता है। पहले नील गाय थी, उनसे आतंक से परेशान था, वर्तमान समय में तो जो आवारा पशु आ गए हैं शहर से जो यहाँ पे, वो सब घूम रहे हैं, वो भी उनकी फसलों की रक्षा करने में पूरा किसान तो उसी में लगा हुआ है। और उनकी इस समय बहुत बड़ी दिक्कत आवारा पशुओं से है इस समय। हम लोग अपने स्तर से बहुत प्रयास कर रहे हैं कि इनकी समस्याओं को ऊपर तक ले जाएं और उनको इस सब समस्याओं से निराकरण कराएं। हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पेयजल की दिक्कत है, उसके लिए हम लोग काफ़ी कुछ, मैंने अपनी निधि से हैंडपम्प देने की प्रयास किया है और कोशिश कर रहा हूँ कि पेयजल की सुविधा उनको उपलब्ध हो सके। ज़्यादा से ज़्यादातर लोग हमारे पेयजल की उपलब्ध हो, ये यहाँ हो, ये यहाँ के लोगों की बहुत बड़ी डिमांड है, इच्छा है। और विकास कार्य के रूप में सड़कें जो हैं, 7-8 सड़कों का निर्माण निधि से कराया जा चुका है हमारे द्वारा, लेकिन अभी शासन स्तर पर, सरकार के स्तर पर यहाँ विकास कार्य का एक खंजा का एक ईंट तक नहीं रखा गया। जो अखिलेश जी की गौर सरकार थी, उन्होंने एक उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस वे, अभी उसके ऊपर 570 रुपए का टोल लगाया गया है, आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच तो विकासवादी सोच थी, उन्होंने सूबे में कितना विकास कराया है किसी से छुपा नहीं है। आगरा एक्सप्रेस वे का उन्होंने, वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, उन्होंने बहुत ही कम समय में उस एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया। उनकी दिली इच्छा थी कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग चल सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग समय का बचा सकें और अपने गंतव्य स्थान पर सही समय पर पहुंच जाएं। परंतु जिस प्रकार से टोल लगाया गया है, टोल लगा लग रहा है, सब जगह लग रहा है, लेकिन जो भारी भरकम टोल लगाया गया है, यहाँ तक कि मोटरसाइकिल वालों को भी छोड़ा नहीं गया। मोटरसाइकिल को भी टोल लिया जाने का उनका वो प्रयास है या लेंगे, तो ये कहीं से उचित नहीं, और टोल की दरें काफी हैं, उसको काफी कम किया जाना चाहिए। अभी एक बीजेपी ने एक मुद्दा उठाया था 3 तलाक का, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला दिया है, उसके बाद अब वो हज जाने वालों की सब्सिडी बंद कर रहे हैं, आपका इसमें क्या राय है? देखिए, ये बीजेपी सरकार है, ये धर्म के आधार पे सबको बांट रही है और ये हमेशा बांटने की राजनीति बीजेपी कर रही है। उसी के तहत इन्होंने ये काम भी किया हुआ है, हज में सब्सिडी खत्म करना, ये उसी का उनका काम है। ये किसी को इसी एक धर्म को ये द्वेष भावना से देखते हैं, मेरे हिसाब से उसी के तहत ये, और उसी अपने एजेंडे के तहत ये काम कर रहे हैं। और बाकी ये उच्च स्तर का आपके हिसाब से, तो हज सब्सिडी को रुकनी नहीं चाहिए थी? रुकनी तो नहीं चाहिए थी, लाभ मिल रहा था, क्योंकि जो पात्र लोग थे जो किसी स्तर से हज नहीं कर पाते थे, उनको सब्सिडी दी जाती है, सब्सिडी कम। जब इलेक्शन हुआ था उस समय सपा का जो गठबंधन हुआ था वो कांग्रेस से हुआ था, जबकि उस गठबंधन के खूब पहले उन्होंने एक कैंपेन रन किया था जहाँ पे वो कहते थे 27 साल यूपी बिहार। तो कहीं आपको लगता है कि कांग्रेस से गठबंधन करने का कामयाबी सपा को भुगतना पड़ा? ये तो हमारी पार्टी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लिया हुआ फैसला था और मैं समझता हूँ वो सही फैसला था उनका, लेकिन क्या कारण रहे, किस वजह से हमको इसका हम पूरा लाभ नहीं मिल पाया,
एक समीक्षा का विषय है, जाहिर सी बात है इसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पर विचार कर रहे हैं, उसमें आगे क्या होना होगा वो वही फैसला। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इलेक्शन के समय पे जो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, जो मुलायम सिंह यादव जी हैं, अखिलेश जी हैं, इस तरह दो खेमे बढ़ गया था, उसका कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का ऐसा नहीं, जहाँ दो चार परिवार घर में रहते हैं तो एक आध आपस में थोड़ा मनमुटाव होता है, लेकिन ये कहना कि समाजवादी परिवार बढ़ गया था कहीं से भी उचित नहीं। समाजवादी परिवार पहले भी एक था, आज भी सब एक ही है, सभी लोग समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक या MP हैं, तो वो सब लोग संयुक्त रूप से ही काम कर रहे हैं। कहीं थोड़ा मनमुटाव चल रहा है, वो भी गतिरोध मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जल्दी खत्म कर लिया जाएगा अगर कुछ है तो। आप कितने पॉइंट देना चाहेंगे योगी गवर्नमेंट को? 10 out of 10। हमारा किसानों का हक ही छीन लिया, उनकी कोई सुविधाएं मजदूरों को, ये तो सबसे बड़ी दुश्मन गरीब मजदूरों को, जो इनको वोट दिया है उसी को प्रताड़ित कर रहे हैं, उसी के साथ ये गलत व्यवहार कर रहे हैं। आज मजदूर जो बहुत बड़ा तबका था, किसान जो बहुत बड़ा तबका था, जो 2 जून मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी चला रहा था, वो भी खत्म कर दिया इस सरकार ने। आज भी हमारा मजदूर जो चौराहे पे जाता है तो उसमें लगभग 80% आदमी वापस घर आ जाता है क्योंकि उसको काम नहीं मिल रहा। तो मैं इस सरकार को देता हूँ, सरकार पूरी तरह से धोखा देके जुमला फेंक के बनाई हुई सरकार है, 10 में से 0, इसमें कोई मतलब नहीं है सरकार है। बिल्कुल, आप खुद भी वकील हैं जी, आप एक शिक्षित तबके से आते हैं, ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं और राजनीति में हैं। आज हमारे यूपी का सबसे बड़ा एक मुद्दा है रोजगार का। यहाँ के जो यंगस्टर होते हैं, यहाँ के जो नौजवान हैं, वो बाहर जाते हैं, मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बाकी सिटियों में जाते हैं, वहाँ जाके नौकरी करते हैं, वहाँ के डेवलपमेंट में वो कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। सो आप रोजगार के लिए आपका क्या विचार है? आपको लगता है कि गवर्नमेंट रोजगार के लिए कुछ कर रही है ताकि इस पलायन को रोका जा सके और हम खुद को विकसित कर सके? देखिए, इस समय तो कोई रोजगार भी आकर देख लीजिए, कोई एक भी रोजगार किसी लोगों को ना कोई भर्ती निकली है, ना कोई ऐसी सरकार की प्लानिंग चल रही है कि जिसके तहत हम लोगों को ज्यादा ज्यादा रोजगार दिला सके, ऐसा कहीं कुछ नहीं दिख रहा अभी तक तो, कहीं कुछ नहीं दिखा, खाली पेपर में ही दिखता है और कहीं कोई मतलब नहीं। रोजगार के साधन पे ये सरकार बिल्कुल कोई विचार नहीं कर रही है, बड़ी भारी संख्या में बेरोजगार घूम रहे हैं कहीं पे, उनके लिए कोई ऐसा अभी तक तो कोई ऐसा कार्य इस सरकार द्वारा नहीं किया गया है जिससे कोई हमारे जो शिक्षित बेरोजगार हैं या जिस किसी भी प्रकार के रोजगार। राजनीति में आपको लगता है कि जैसे सरकारी नौकरियों में रिटायरमेंट की एज होती है, वैसे रिटायरमेंट होना चाहिए ताकि नौजवानों को मौका मिले आगे आने का? ये बात आपके अखिलेश जी काफी नौजवान है, यंग है, यंग CM बने थे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, मेरे ख्याल से वहाँ पे यंगेस्ट CM है इस इतिहास में, भारत इतिहास में। सो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप भी यंग तबके से आते हैं, तो आपको ऐसा लगता कि एक एज कैप होना चाहिए, इस एज के बाद रोक लग जानी चाहिए? क्योंकि अगर फॉरन में देखें, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को देख लीजिए, हार्डली 44-45 साल, ब्रिटेन के देख लीजिए। सो ऐसा नहीं लगता हमारे भारत देश में ऐसा करना चाहिए? जहाँ तक रिटायरमेंट की बात है, ये प्रश्न आपका ठीक है, लेकिन एक ये भी सत्य है कि जो कोई बुजुर्ग होता है, जो वरिष्ठ हो जाता है, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, उस एक्सपीरियंस के तहत उसका मार्गदर्शन तो हमको मिलते ही रहना चाहिए, उनके अनुभव हमको मिलते रहने चाहिए। और बाकी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बराबर युवाओं को जितना सपोर्ट हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी में, आज भी आप देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली युवा बहुत जुड़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा यूथ हमारे पास है। और जिस प्रकार हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यूथ को बढ़ावा दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सभी लोग चाहते हैं कि यूथ आगे आए। और उसको 2019 आने वाला है लोकसभा चुनाव, और यूपी ऐसी जगह है जहाँ से दिल्ली की सरकारें बनती भी हैं और बिगड़ती भी हैं। आपको क्या उम्मीद है समाजवादी पार्टी कितना परफॉर्मेंस करेगी? क्योंकि पिछली बार मुलायम जी ने एक प्रेस वार्ता में कहा भी था अपने कार्यकर्ताओं से कि आप हमें यूपी दिलाइए ताकि हम वहाँ PM बन सके। आपको लगता है इस बार उस उम्मीद पे खरा उतरा जा सकता है 2019 में?
देखिए ये जो सरकार है जुमलों की सरकार है, ये अब काफी हद तक प्रदेश में भी उन्होंने मौका दे दिया, यूपी भाजपा को यहाँ पे भी मौका दे दिया, दिल्ली में भी मौका दे दिया है। एक साल में यहाँ का हर वर्ग इनसे पीड़ित हो चुका है और अगर आने वाले समय में कोई आस दिख रही है तो खाली समाजवादी पार्टी और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ही इस प्रदेश की जनता को आस है। तो मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आने वाला लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहेगा और यहाँ से हम बहुत ही ज्यादा संख्या में, मतलब हद से ज्यादा संख्या में हम लोग यहाँ से MPs अपने जीतेंगे और हम लोग आगे जो दिल्ली में जो भाजपा की सरकार बनती है उसको रोकने के लिए हम यहीं से इतनी सीट दे देंगे कि आने वाले 2019 में भाजपा की सरकार दिल्ली में बन पाएगी। ये मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ के लोगों की, यहाँ के क्षेत्र की जनता की मंशा को देखते हुए सारा विश्वास उनको अखिलेश जी के ऊपर, माननीय अखिलेश जी के ऊपर ही जा रहा है। तो आने वाले समय में हम लोग भारी संख्या में लोकसभा की सीट जीतेंगे। अगर गठबंधन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, हम लोग अपने दम पर बहुत सीटें जीतेंगे, उसकी संख्या बहुत होगी। आपको लगता है कि 2019 के लिए जितने भी विरोधी पार्टी है उनको अपना एक गठबंधन होना चाहिए फटफट की तरफ, जितने भी विधायक जितने भी विरोधी पार्टी है बीजेपी की, जैसे अगर आप लालू जी की पार्टी की बात कर रहे हैं या समाजवादी पार्टी हो गई, BSP हो गई, ये सबको मिलकर एक मंच में आना चाहिए। ये तो इस मामले में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बराबर प्रयासरत हैं और मैं समझता हूँ कि उनके इस प्रयास को सफलता भी मिलेगी और आने वाले समय में हम लोग जितने भी अलग अलग स्टेट में जो भाजपा के विरोधी लोग हैं सब लोग एक मंच में एक जगह इकट्ठा होंगे, भारी शिकस्त देने वाले। जब सरकार बनी थी तो उन्होंने एक वादा किया था कि हम इतने दिनों में गड्ढा मुक्त रोड कर देंगे, आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या हाल है? मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैं तो आज भी जाता हूँ, मैंने तो तमाम कटोरे लिए हैं, खाली जो सड़क के आसपास दिखती हैं रोडें वो खाली गड्ढा मुक्त हुई। आज भी करीब 60% रोडें हमारे यहाँ गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त हैं और गड्ढा युक्त ऐसे हैं कि भारी भारी गड्ढे हैं। खाली गड्ढा पूर्ति के नाम पे एक खाना पूर्ति की गई, कहीं कुछ नहीं पूरा उसको धरातल पे कहीं आया नहीं और न दिखा कहीं को। कि राजनीतिक गलियारों में यही कहा जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में अपनी सरकार बना रही है, कहीं ना कहीं उनका एक लक्ष्य है कि वो अपर हाउस में मेजोरिटी लाना और उसके बाद जो राम मंदिर है उसका निर्माण करना। आपका क्या इसमें सोच है? देखिए राम मंदिर जी को, भगवान राम को तो इन्होंने चुनावी मुद्दा बना रखा है, हर जगह इनकी सरकार, केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, लेकिन मंदिर बनने की दिशा में कहीं कोई अभी कोई कदम न दिख रहा है और ना ये मुझे भरोसा है कि ना मंदिर बनने भी नहीं देंगे, क्योंकि उसको खाली राजनीतिक माँ भगवान राम को केवल राजनीतिक प्रयोग करके ये लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं और उन्हीं के आस्था पे ये लोग जो है लोगों की भावना से खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश जी।